पर हालत बड़ी खराब है, बुकलाट है, 5 साल से गायब रही हूँ, खाली धौलपुर दिल्ली धौलपुर घूमती रही, हवा के अंदर ज़्यादा चक्कर लगाए, कभी कभी जयपुर आई थी वो, और जनता से मिली नहीं 5 साल तक, जनता से मिली नहीं, कभी सेक्रेटरी में रुकी नहीं, कभी बड़े बड़े महलों में रुकती या 5-6 तरह होटल में रुकी थी, जनता जाए तो जाएगा मिलने के लिए, मुख्यमंत्री मंत्री हमेशा सेक्रेटरी में रुकते हैं, आपको मालूम है, उनका पता परमानेंट होता है, वो नहीं रुकी। परसों मैंने फोटो देखी, वसुंधरा जी आधी झुक करके प्रणाम करी अमित शाह जी को, मैंने कहा कमाल हो गया, अगर ये 3-6 का आंकड़ा बीच में बोल चाल नहीं थी 5 साल तक देंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी में, अमित शाह जी में, वसुंधरा जी में, अभी तक झुक के प्रणाम कर रही हो, तो माई बाप तो आप लोग हो, देखो जो आप लोग तय करते हो वो चुनाव जीतता है, जनता माई बाप है, इतनी अगर जनता के सामने झुकती वसुंधरा जी, आज राजस्थान उनके प्रति तो आक्रोश नहीं होता, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, पर वहाँ तो उन्होंने घमंड दिखाया, अहम दिखाया, उसके साथ चली वो, मोदी जी का तो कहने ही क्या, अच्छे दिन का इंतजार पूरा मुल्क कर रहा होगा, कब आएंगे कोई पता नहीं, काला दिन लेके आऊँगा विदेशों से, 1 रुपया लेके नहीं आया स्विस बैंक को, आर्थिक 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, आपने देख लिया क्या किया, नोटबंदी जरूर कर दी, 1 साल में 1,000 के 500 के नोट बंद कर दिए, आज व्यापार ठप हो गए हैं, लोग मजदूरी मिल नहीं रही है, लोग मजदूरों को निकाल रहे हैं, हालात बड़े गंभीर उसके भी हो गए, उनके पास कोई जवाब नहीं, और लाइनों में सबको लगा दिया, जो बहनें माताएं कुछ पैसे बचाती है पति से, जो पैसे देते हैं उनको घर पे कुछ बचा रखती है, अड़िए बड़िए काम आ जाएगा, उसको निकलवा दिया उन्होंने लाइनों में खड़ा करके, 150 लोग मारे गए थे, 150 लोग कोई जाके उनके घर पे सवाल नहीं करी, भाई जो मरा है उनके घर की क्या तकलीफ है क्या नहीं, उनको कोई मतलब नहीं, इस प्रकार नोटबंदी कर दी, और भावुक होकर के एक बार सुना अपने प्रधानमंत्री जी को बोले कि मुझे आप 50 दिन दे दीजिए, 50 दिन में मैं सब ठीक कर दूंगा, नहीं तो मैं चौराहे पे खड़ा होऊंगा, आप जो चाहो सजा मुझे दो, लटका दो मुझे। अब पूरे देश के हर चौराहे वाले इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी हमारे चौराहे में कब आएंगे, पता नहीं कब आएंगे, हमें लटकाना नहीं, हमें खाली जवाब सवाल पूछना है, उनको जवाब सवाल पूछना है, तो ये स्थिति है ए भाई, तो ये स्थिति है देश के अंदर, करप्शन की धरे पार है, उन्होंने कहा चौकीदार चौकीदारों